नमः शिवाय। 12 फरवरी दिन सोमवार फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जिसके नक्षत्र स्वामी शुक्रदेव हैं चंद्रमा धनु राशि में बने रहेंगे। आज के जन्मे जातक ईमानदार संवेदनशील आशावादी दूसरों से प्रेम करने वाले कला प्रेमी और उपकार करने की भावना वाले होते हैं। ऐसे जातक पिता के लिए बहुत भाग्यशाली सिद्ध होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा और शुक्र की स्थिति अच्छी रही तो ऐसे जातक पूर्ण सफल होंगे। मेष राशि वाले जातकों के लिए आज हर्ष और प्रसन्नता का वातावरण बना रहेगा। सकारात्मक निर्णय लेने में आसानी होगी। मानसिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे। धार्मिक भावना बलवती रहेगी। आय संबंधी संसाधनों में वृद्धि होगी। किसी वृद्ध व्यक्ति के सहयोग से आपके कार्यों में आसानी होगी। पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी। आर्थिक पक्ष अनुकूल रहेगा। आज देवदर्शन के योग बनते हैं। वृष राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन आलस्य भरा हुआ रहेगा। निर्णय लेने की क्षमता और व्यावसायिक अनुकूलता सकारात्मक रूप से बनी रहेगी। शासन सत्ता या अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। व्यावसायिक योजनाओं में नई चीज़ों को शामिल करने का योग बना हुआ है। छोटी यात्रा के दौरान और मातृपक्ष से तनाव मिल सकता है। आर्थिक उन्नति का दौर चल रहा है। आलस्य ना करें, आपके प्रयास सार्थक होंगे। मिथुन राशि वाले जातकों के अंदर आज पूरे दिन सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। रचनात्मक गतिविधियों में आपकी सक्रियता फलीभूत होगी। आपके बौद्धिक प्रयास लाभदायक होंगे। भविष्य की योजनाओं में निवेश का योग बना हुआ है। आपके प्रयास सार्थक होंगे। नई कार्य योजनाओं के लिए संबंधियों या रिश्तेदारों से भी सहयोग मिलेगा। विरोधी पक्ष परास्त रहेगा। सामाजिक समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए आज शुक्र के नक्षत्र में चल रहे चंद्रमा शनि के साथ छठवें घर में मौजूद हैं। परिवार व कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में मन कम लगेगा। निजी मामलों में तनावपूर्ण माहौल महसूस होगा। अपनी कार्य योजनाओं को प्राथमिकता में रखते हुए सक्रियता बनाए रखें। विद्यार्थियों के लिए सफलता का योग बना हुआ है। वाद विवाद या न्यायालय से संबंधित मामलों में अनुकूलता बनी रहेगी। विषम परिस्थितियों में सूझबूझ और धैर्य का परिचय सिंह राशि से ज़्यादा और कौन दे सकता है। विकास की योजनाओं को अपने बुद्धि कौशल और स्पष्ट सोच के साथ लागू करने में आप सफल रहेंगे। हालात को अपने पक्ष में करने की क्षमता आपके अंदर बनी रहेगी। आर्थिक लाभ के अवसर मिलते रहेंगे। पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी। भविष्य की योजनाओं को आप किसी से शेयर ना करें, बाधा आ सकती है। कन्या राशि के जातकों का घरेलू व व्यावसायिक संबंधी मामलों में निवेश का योग बना हुआ है। व्यावसायिक प्रयास सफल होंगे। आर्थिक उन्नति में मित्रों का सहयोग बना रहेगा। भविष्य की योजनाओं में जल्दबाजी ना करें। विवाद व मतभेद वाले मामलों में शुरुआती दौर में ही समझौता कर लें, आपके लिए लाभदायक रहेगा। अनावश्यक टकराव को टालने की कोशिश करें। किसी समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा। तुला राशि वाले जातकों के लिए आज स्वास्थ्य संबंधी अनुकूलता बनी रहेगी। खुद को तनाव मुक्त महसूस करेंगे। व्यवसाय की योजनाओं के लिए नए अवसर मिल सकते हैं। यदि कोई व्यावसायिक विवाद पहले से चली आ रही है तो आज सुलझाने के लिए समय अनुकूल है। प्रयास करें, सफल रहेंगे। पहले से चली आ रही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। विरोधियों की साजिश से सावधान रहें।
वृश्चिक राशि वाले जातक आज अपने आप में स्वस्थ व ऊर्जावान महसूस करेंगे। अपनी रचनात्मक क्षमता और तीव्र सूझबूझ के कारण अपने कार्य क्षेत्र में सफल रहेंगे। विषम परिस्थितियों के बावजूद भी धैर्य के साथ आर्थिक उन्नति के लिए लगे रहें, सफल रहेंगे। सामाजिक व पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। धनु राशि वाले जातकों का आज का दिन व्यावसायिक व्यस्तता और आर्थिक उत्थान में लगा रहेगा। आपकी बौद्धिक क्षमता का परिचय व्यावसायिक सफलता के रूप में मिल रहा है। अनावश्यक वाद विवाद से बचते रहें, अपने परिश्रम को जारी रखें, सफल रहेंगे। संबंधियों व मित्रों से सहयोग बना रहेगा। संतान पक्ष से संतुष्टि बनी रहेगी। मकर राशि वाले जातक कार्य क्षेत्र व निजी मामलों में नए नजरिए से काम करेंगे। स्वास्थ्य संबंधी अनुकूलता के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। निजी संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। बड़े निवेश के लिए कुछ दिन रुक जाएं। अच्छे अवसर भविष्य में मिलेंगे। पत्नी के स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। नौकरी करने वाले जातकों के लिए छोटी यात्राओं का योग बना हुआ है। किसी समारोह में शामिल होने का आज मौका मिलेगा। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी अनुकूलता तो बनी रहेगी, लेकिन मन में तनाव वाली स्थिति पैदा होती रहेगी। व्यावसायिक योजनाएं फलीभूत होंगी। विवादों को सुलझाने में आपके तर्क और बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय सहायक होंगे। अनावश्यक वाद विवाद से दूर रहें। हालांकि शत्रु पक्ष कमजोर रहेगा, न्यायालय या वाद विवाद से संबंधित मामलों में सफलता मिलेगी। आर्थिक मामलों में लाभ मिलता रहेगा। मीन राशि वाले जातकों को आज आर्थिक उन्नति और व्यावसायिक प्रयास में कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अधिक परिश्रम और सार्थक प्रयास के नतीजे फायदेमंद साबित होंगे। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए व्यवसाय की योजनाओं पर परिश्रम करें। नई योजनाओं के निवेश का योग बना हुआ है। मित्र बंधुओं का सहयोग लाभदायक सिद्ध होगा। गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।